दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर दिवाली का सेल लगा हुआ है, साथ में आपको नवंबर में भी कई सारे ऑफर्स देखने को मिलने वाले हैं जिसमें आप एक अच्छा स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको 9000 के अंदर तीन बेस्ट चॉइस स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी है इस प्राइस रेंज में। सो लेट्स बिगिन द टेक यापा। दोस्तों सिस्टम में तीसरे नंबर पर मैंने रखा है टेक्नो की तरफ से आने वाला टेक्नो पॉप 9 5G स्मार्टफोन, जिसका 4GB 128GB वाला वेरियंट आपको विद कार्ड एंड डिस्काउंट 9000 रुपए में ही मिल जाएगा। 6.6 इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, साथ में IP54 रेटिंग मिलती है और जो प्रोसेसर है इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 को मिलने वाला है जो कि दमदार प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। इस स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का IMX सेंसर वाला सोनी का कैमरा मिलने वाला है जो कि काफी अच्छी फोटोज लेता है, साथ में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। ये स्मार्टफोन आपको 5000mAh की बैटरी भी देगी जिसमें आपको 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने वाला है। अदर फीचर्स में आपको डुअल स्टोरेज स्पीकर भी मिलने वाला है, तो एंड्रॉइड 14 वर्जन के साथ आने वाला स्मार्टफोन काफी अच्छा चॉइस है अगर आप इसको बाय करना चाहें। सेकंड नंबर पर मैंने रखा इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स हॉट 50 5G स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन आपको 4GB 128GB का वेरियंट मात्र 8600 रुपए के अंदर ही प्रोवाइड कर देती है। ये स्मार्टफोन भी आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले प्रोवाइड करती है जो कि HD+ रहने वाला है, साथ में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। ये स्मार्टफोन भी आपको IP54 की रेटिंग, साथ में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 वाला बड़ा दमदार प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। सोनी IMX सेंसर के साथ आपको 48 मेगापिक्सल का अच्छा कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा भी अच्छा खासा इसमें मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी के साथ आपको इसमें 18W का फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगा, साथ में इसमें आपको इन्फिनिक्स AI देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आप कई सारी AI एक्टिविटी भी कर सकते हैं 9000 के अंदर ही। तो ये काफी अच्छा चॉइस है इस प्राइस रेंज में अगर आप इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन बाय करना चाहेंगे। दोस्तों पहले नंबर पर रखा है मैंने लावा ब्लेज 3 5G स्मार्टफोन। इसका 6GB 128GB वाला वेरियंट आपको 9000 में ही मिल जाएगा। 6.56 इंच के डिस्प्ले के साथ आपको इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 वाला प्रोसेसर मिल रहा है जो कि इस प्राइस रेंज में बेस्ट प्रोसेसर है एक 5G फोन में। 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, साथ में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ये फोन भी आपको प्रोवाइड कर रही है। 5000mAh की बैटरी के साथ आपको 10W का चार्जर भी मिल जाएगा, डुअल स्टूडियो स्पीकर सपोर्ट भी इस फोन में आपको देखने को मिलेगा, साथ में एंड्रॉइड 14 का लेटेस्ट वर्जन भी आपको मिलेगा जो कि ब्लॉटवेयर फ्री रहने वाला है आपके लावा के मोबाइल में, जिसमें आपको बेटर रैम का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपकी प्रायोरिटी बेटर कैमरा है, बेटर फास्ट चार्जिंग है, तो आप पिछले दो स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। तो ज्यादा रैम की प्रायोरिटी में आप लावा की तरफ स्विच कर सकते हैं या फिर क्लीन UI के लिए। आप इन तीनों में से कौन सा बाय करना चाहते हैं और कौन सा स्मार्टफोन आपको बेटर लगा इनमें से वो कमेंट में जरूर बताना। कोई डाउट हो तो भी पूछ लेना। वीडियो को प्लीज यार लाइक कर देना। मिलते हैं और नए वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।